दोस्तों स्वागत है आपका। फाइनली हमारा इंतजार जो है वो हो चुका है खत्म और हम आ चुके हैं आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग की तरफ, जहां पर पहला मैच होने वाला है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग की टीम के बीच में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और आपको क्या लग रहा है दोस्तों, कौन सी टीम जीतने वाली आईपीएल 2020 का पहला मुकाबला, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होता है जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है। चेन्नई सुपर किंग की टीम लास्ट ईयर के हार का बदला लेने के लिए उतरेगी, जहां पर चार मुकाबले हुए थे दोनों ही टीमों के बीच और चारों मुकाबले मुंबई इंडियंस की टीम ने जीते थे, तो उन सभी हार का बदला लेने यहां पर चेन्नई सुपर किंग की टीम उतरेगी। मुंबई इंडियंस की टीम हेड टू हेड में चेन्नई सुपर किंग की टीम से काफी आगे है, लेकिन यहां पर दो स्टैट्स ऐसे हैं जो कि चेन्नई सुपर किंग की फेवर में जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला यह कि यूएई में मुंबई इंडियंस की टीम एक भी मुकाबला नहीं जीती है, पांच मुकाबले इन्होंने यहां खेले हैं और पांचों के पांचों मुकाबले हारे हैं। वहीं दूसरे अगर स्टैट्स की बात करें तो जब भी आईपीएल के पहले मैच में एमआई और सीएसके का मुकाबला हुआ है तो हमेशा चेन्नई सुपर किंग की जो टीम है वो जीती है। तो ये दो ऐसे स्टैट्स हैं जो कि चेन्नई सुपर किंग की तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं इस मैच में कौन सी टीम जो है वो मारती है बाजी। चलिए प्लेइंग 11 की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की। तो एमआई की टीम ने कंफर्म कर दिया है कि रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक जो है ओपन करते हुए नजर आएंगे, सूर्य कुमार यादव होंगे नंबर 3 पर, तो कारण पोलार्ड हमें नंबर 4 पर नजर आएंगे, काफी अच्छे फॉर्म में इस समय चल रहे हैं। इनके बाद दोस्तों पांचवें नंबर पर ईशान किशन होंगे, तो इनके बाद होंगे हार्दिक पंड्या, कुणाल पंड्या और सरफेन रदरफर्ड। स्पिनर की अगर बात करें तो राहुल चहर इनके सबसे मेन स्पिनर होंगे, और उनके बाद दो फास्ट बॉलर की बात करें तो सबसे पहले होंगे ट्रेंट बोल्ट, जिन्हें ये ट्रेड कर लेकर आए हैं, और दूसरे होंगे इनके सबसे मेन फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। तो कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस की लग रही है, काफी स्ट्रांग ये प्लेइंग 11 है, जहां पर नंबर 8 तक बैटिंग है, वहीं दोस्तों 7-8 बॉलिंग के भी ऑप्शन है। बात करें अगर चेन्नई सुपर किंग की टीम की, तो चेन्नई सुपर किंग की टीम सुरेश रैना और हरभजन सिंह की सर्विस जो है मिस करने वाली है, सेन वॉटसन और फाफ डुप्लेसिस हमें ओपन करते हुए नजर आएंगे, मुरली विजय नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं, चौथे नंबर पर अंबती रायडू होंगे, तो पांचवें नंबर पर हमें नजर आएंगे एमएस धोनी, छठे नंबर पर दोस्तों केदार जाधव होंगे, तो सातवें नंबर पर होंगे रविंदर जडेजा, वहीं आठवें नंबर पर ड्वेन ब्रावो हमें नजर आने वाले हैं। इनके मेन स्पिनर जो है पीयूष चावला होंगे, और दो फास्ट बॉलर की अगर बात करें तो दीपक चहर और लुंगी एंगडी, ये दो जो है मेन फास्ट बॉलर नजर आने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग की टीम में। तो दोनों ही टीमों के पास दोस्तों काफी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, दोनों ही टीम की जो प्लेइंग 11 है हमें काफी ज्यादा मजबूत लग रही है। मुंबई इंडियंस के पास भी नंबर 8 तक बैटिंग है, तो चेन्नई सुपर किंग के पास भी नंबर 8 तक बॉलिंग है, दोनों ही टीमों के पास एक एक मेन रिस्ट स्पिनर है, वहीं दोनों ही टीमों के पास दो दो मेन जो है वो है फास्ट बॉलर ओपनर, दोनों ही टीमों के कमाल के। तो यहां पर मुकाबला जो है वो बहुत ही ज्यादा टक्कर का होगा, बहुत ही ज्यादा बराबरी का होगा, और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी टीम आईपीएल 2020 का पहला मैच जो है वो जीतती है। तो प्लेइंग 11 की दोस्तों हमने इस वीडियो में बात करी, आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम जीतने वाली आईपीएल 2020 का पहला मुकाबला, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज आप ऊपर के आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हैं आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग से पहले। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपडेटेड रहने के लिए आईपीएल 2020 से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।